हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो इसलिए कि मैं आपको दिखाता हूँ किस लिए। ये देखो, तो इसके अंदर जो है ना दोस्तों, एक है टेंट। तो ये मैंने अमेजन से मंगाया, आज शाम को आया। मैं अभी ऑफिस से आया और आते ही देखा कि ये पड़ा हुआ है, मतलब ये आ चुका है, डिलीवरी हो चुकी है इसकी। तो अभी जो है इसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा दोस्तों, और देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है, कैसा निकलता है। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। ये हो रहा है ओपन। कहाँ से होगा ओपन? यहाँ से होगा आई गेस। तो यहाँ से मैंने ये रहा, ये लगा हुआ सेलो टेप इनका। तो ये कुछ अंदर से अभी निकलेगा, ये सिम खुल जा। ये रहा दोस्तों टेंट। ये है 2 पर्सन वाली टेंट। तो इसके साथ जो है तामझाम क्या है, कहाँ है इसका खुलेगा, ये ऐसे ओके कैसे खुलेगा। हाँ तो ये है, ये बैग है, देखिए इसके अंदर है टेंट। और इसके अंदर बहुत सारे है, क्लैंग वगैरह है, और टेंट खुल जाएगा ऐसे। ये रहा जो, ये है इसका रॉड्स जो इस टेंट के अंदर घुसेगा, और ये रहा मेन टेंट। तो दोस्तों ये टेंट ना दो लेयर में आता है। एक तो हो गया ये जो है वाटरप्रूफ लेयर होता है एक, और एक होता है मेन टेंट। तो आई गेस ये मेन टेंट है, ये क्लिप है, ये देखो इसे क्लिप लग जाएगा उस रॉड में। ये लगा के मैं देखाऊंगा बाद में, पहले ये देख लेता हूँ कैसा है, मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊं। और ये जो है ये इसके वाटरप्रूफ हिस्सा है जो ऊपर से टेंट के ऊपर से ढक जाएगा, टेंट को ढक देगा ताकि बारिश में हो, कुछ भी हो पहाड़ों में जैसे, तो कोई पानी ना जाए अंदर। तो ये बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैंने ये कुल मिलाकर पड़ा है 2400 प्लस समथिंग। तो जो भी है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। बहुत दिनों से मैंने टेंट कर रहा था कि टेंट खरीदना ही था, क्योंकि मुझे कैंपिंग करना ही है पहाड़ों में। कैंपिंग करने में जो मज़ा है उसको लेना है। तो दोस्तों अभी जो है मैं इसको दिखाऊंगा फिट करा के, तो चलो चले। तो दोस्तों ये देखो, ये रहा छत, काफ़ी बड़ा है, एरिया बहुत है। तो इसी पे जो है अभी टेंट लगाऊंगा, इसका ट्रायल यहाँ ही होगा, यहीं पे होगा इसका ट्रायल टेंट का। मौसम भी बहुत बढ़िया है, नीला नीला आसमान है और बादल छाया हुआ है, मज़ेदार मौसम है। तो ज़्यादा बातें बिना किए अब टेंट लगाता हूँ दोस्तों, आ जाओ। तो सॉरी गाइस, पड़ोस में कहीं पे ना बहुत तेज़ बहुत ज़ोर से, जोर के आवाज़ से डीजे बज रहा है, तो उसकी जो आवाज़ है, गाने की आवाज़ यहाँ आ रही है बहुत तेज़, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो है कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है, वो गाना अगर रिकॉर्ड हो जाए तो खैर। तो ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। देखो दोस्तों ये टेंट खोल गया है धीरे धीरे। इसमें 2 स्ट्रैप्स कॉटन के लगे हुए हैं दोस्तों, काफ़ी मज़बूत स्ट्रैप्स है। तो उसके बाद जो है ये खोल जाता है। तो ये रहा दोस्तों, 2 हिस्से में है ये, जैसे कि मैंने दिखाया पहले, ये ऊपर का हिस्सा है जो वाटरप्रूफ है, और ये बेस है इसका टेंट का जो नीचे बिछाया जाएगा। आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, देख चुके होंगे इसका टेंट के कैसे टेंट ने किस तरह से टेंट को पिच किया जाता है। तो ये तो नई बात है नहीं, फिर भी मुझे भी अपना जो है टेंट का देखना था कि इसमें कोई ये परफेक्ट है कि नहीं, कहीं से कुछ टॉर्न है, फटे हुए है या ऐसा कुछ है, तो वो चेक भी हो जाएगा। और मेरे लिए ये पहली बारी है, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं एक पिच कर रहा हूँ टेंट, तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये जो मेन टेंट के मटेरियल है दोस्तों, ये काफ़ी हल्की सी है, मतलब इन द सेंस मज़बूत है लेकिन पतली सी है, ये चुनने में ऐसा लग रहा है, ताकि इसके अंदर एयर जाए, सफोकेशन ना हो, अगर बाहर का भी दिखे हल्का हल्का, तो इस तरह से ये रखा गया है। और ये रहा रॉड दोस्तों, ये रॉड्स लग जाएंगे क्रॉस होकर ऊपर से। पहले ये रॉड्स को मैं लगाता हूँ,
तो दोस्तों ये रॉड को इस तरह से रखना है ऊपर, मैंने भी वीडियो देख के ही सीखा है मैंने, और जो दूसरा वाला है वो भी ऐसी तरह से रखा जाएगा। तो ये हो गया है तैयार, क्रॉस में मैंने लगा दिया। नहीं, अब इनको टेंट के हुक में फंसाना है, उसके बाद दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बिल्कुल भी आसान ही था ये एक तरह से देखा जाए तो। अभी ये हुक जो है लगने हैं सारे के सारे इन्हीं रॉड्स में लगेंगे हुक्स, तो ये मैं लगाता हूँ जल्दी जल्दी करके। और इसे इसी भी तरह के उठा के किसी भी तरह से आप किसी भी तरह मूव इसका कर सकते हो, आपको अगर शिफ्ट कराना है उठा के कहीं और रखना है, और इस तरह से इसका सामने का हिस्सा खोल जाता है जो इसका दरवाज़ा सा छोटा सा टाइनी सी दरवाज़ा सा बन जाता है इसका। तो ये मटेरियल जो है ऊपर का, ये देखो एक विंडो सा भी है इसका, तो यहाँ से सी थ्रू है, आप बाहर देख सकते हो नेट सी लगी हुई है और ये बिल्कुल खुल जाता है ऐसे इस तरह से। तो अंदर का स्पेस देख लो दोस्तों, काफ़ी ये स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें है। और ये रहा ऊपर का हिस्सा, इस तरह से डल जाता है इसके ऊपर, हवा भी थोड़ी सी तेज़ है आज, और इस तरह से बिल्कुल डल जाता है आराम से। तो ये मेन हिस्सा है इसका, अगर आप कहो तो ये चीज़ जो है धूप से और बारिश से हर चीज़ से ये बचाता है ये। और ये दरवाज़ा इस तरह से खोलने के बाद ये आप खींच के एक साइड में फोल्ड कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ से आप देख सकते हो अंदर का स्पेस किस तरह से, और ये चीज़ आगे आप खींच कर लगा सकते हो ताकि जो सामने का टेंट का सामने का हिस्सा है वो भी बारिश से बच जाए, और आप यहाँ जूते वगैरह आप रख सकते हो टेंट के बाहर अपनी। और ये रहे सारे छोटे छोटे लोहे के ये रॉड्स हैं, ये जो है ये टेंट के चारों ओर ये छोटे छोटे लूप्स दिए गए हैं, इसमें इस तरह से हुक लग जाएगा जो है कि ग्रास में हो ज़मीन में हो ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा, तो ताकि हवा में ना ये उड़े। और अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वो हो कि हवा बहुत तेज़ हो या ऐसे जगह में आप हो, तो यहाँ मैं इसीलिए यहाँ ना इस तरह के थ्रेड दिया गया है छोटे छोटे नायलन के, मज़बूत है, तो इसको आप यहाँ लगाकर इसमें लगाकर कोई पेड़ के साथ बांध सकते हो। तो ऐसा जो लूप्स है ये लूप्स चारों ओर दिया गया है चारों कॉर्नर में, ताकि जो टेंट आपका फिक्स रहे हवा में उड़ के चला ना जाए। तो दोस्तों इसका जो मटेरियल है ना, मटेरियल बहुत अच्छा है ऐसा हाथ देख के पता चल रहा है, और ये फुली वाटरप्रूफ है। इसको मैंने एक वीडियो में देखा था, लोगों ने पानी डाल के भी देखा है, इसमें हर तरह से बिल्कुल वाटरप्रूफ है। और जनरली होता क्या है, जो सस्ते वाले जो होते हैं जैसे कि आपको 1000, 1500, 1800 में जो मिलते हैं उसमें ज़्यादातर से ना ये जो बेस है इसका कैंप का ये टेंट का ये बेस बहुत हल्की है, वो हल्की होती है उनमें, और इसका जो बेस है ना बहुत मोटा अच्छा खासा है, मोटा है, सही मटेरियल लग रहा है इसका। तो ये ब्रांड जो है काफ़ी पॉपुलर है, लोग इसको इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए इसका रेटिंग बहुत अच्छा है अमेज़न में। और मैंने अब तक जितने भी देखा जो कैंपिंग में है इन सब के पास इसी का देखता हूँ मैं, यही टेंट होता है। तो अगेन दोस्तों मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी भी ब्रांड को, लेकिन जो अच्छा होता है उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, उसी को ख़रीदना चाहिए भाई, यही तो मुझे पता है आपको, आप भी यही करते होंगे। तो अभी इसके अंदर जो स्पेस दिख रहा है इसमें मैं योगा मैट अपना डालूंगा और स्लीपिंग बैग वगैरह जो मैंने ख़रीदा है वो भी डालूंगा। योगा मैट जो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी है मेरे पास बहुत पहले से, तो इसको मैं अभी अंदर डालूंगा। ये देखो ठीक है।
ये देखो यहाँ आ गया योगा मैट, तो ये 2% का टेंट जो है, 2% का है टेंट, तो 2% तो कहते हैं लोग, लेकिन ये है कि जैसे कि आप यहाँ 1% आ जाएगा, और आप अगर कोई भी जो लागेज आपका जो है इस साइड में आ जाएगा, तो काफ़ी स्पेस है इसमें। अब मैं इसे स्लीपिंग बैग डालूंगा। तो दोस्तों ये स्लीपिंग बैग आपने देखा होगा ऑलरेडी, मैंने अनबॉक्सिंग किया था। तो ये है स्लीपिंग बैग, अमेजन से मंगाया था मैंने, ये 2000 के पड़े थे, 0 to 20 degree। तो ये रहा है कवर, तो ये रहा स्लीपिंग बैग, ये चला जाएगा अंदर। तो दोस्तों ये रहा कुल मिलाकर, आपको आइडिया लग गया होगा स्पेस कितने हैं। यहाँ लगेजेस आ जाएंगे आप, अगर मेरे पास एक पॉलीथीन का बहुत बड़ा शीट भी है वो नीचे बिछा लूँगा, तो ये ज़्यादा वो हो जाएगा यहाँ नीचे से, ज़्यादा वो सही और सही रहेगा। यहाँ मैं खाना भी पका सकता हूँ अगर बाहर बारिश वारिश हो। तो दोस्तों ये है टेम्पररी घर पहाड़ों में। तो अभी आपको पीछे से दिखाता हूँ इसके, ये रहा तो यस, इसको ऐसे करके दिखता है पीछे से, ये बाद में कैसे होगा। ये रहा पूरा होल इनसाइड, जो आपको पूरा दिख रहा होगा कि इस तरह से है मेरा स्लीपिंग बैग यहाँ है, और ये मैट रहा, और स्पेस काफ़ी है इसमें जो है, एक आदमी का लगेज स्टोव जो भी है, खाना पकाने का सामान सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। थोड़ा इस तरह से दिखा लो, ये देखो इस साइड में स्पेस बहुत बाकी है, तो यहाँ चाहे तो आप दो बंदे भी यहाँ आराम से आ सकते हैं, अंदर सो सकता है, और या चाहो तो लगेज भी आप यहाँ डाल सकते हो। तो दोस्तों यही है टेंट, मैंने आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मैंने ये चेक भी करना था लगाकर, इससे पहले मैंने लगाया नहीं कभी टेंट पिच करने का, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, और मैंने इसमें चेक भी कर लिया कोई फटा उटा हो टेंट में, कुछ भी हो, कोई गलत चीज़ हो तो वो कुछ भी नहीं है, इंटैक्ट है। तो दोस्तों यही है टेंट, तो ये बजट में सही है, ये मुझे पड़ा था 2400 के पड़ा था 2% का। तो दोस्तों अभी जो है बस राइड का इंतज़ार कर रहा हूँ, कैंपिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे पास सारे सामान आ चुका है कैंपिंग के लिए, जितने भी सामान होना चाहिए सब कुछ मैंने खरीद लिया है, अब बस कैंपिंग का इंतज़ार है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए, और अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों मिलते हैं।